स्वागत है आप सभी का आप अपने YouTube चैनल टारगेट विद अभिषेक में। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सभी सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को, सभी भाइयों और बहनों को। जैसा कि मैंने दोपहर में 1 बजे के आसपास वीडियो अपलोड की थी और आपको बताया था कि आपका शाम तक 90% चांस है कि शाम तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और वही हुआ है आपका। क्योंकि फ्रेंड्स, मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँ वो हमेशा के लिए ऑथेंटिक हो। देखिए, ये पूरी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में सेंड कर दी है, और जो दोपहर को मैंने वीडियो बनाया था उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा था व्हाट्सअप को ज्वाइन करने के लिए। तो लगभग 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स 2 घंटे के अंदर ज्वाइन हुए हैं उसमें, और लगभग वो भी ग्रुप फुल होने वाला है। और एक और मैं ग्रुप बना दूंगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको, और यहाँ से पूरी डिटेल सर्च कर लेते हैं। इसमें पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, प्रूफ जिसके रोल नंबर के आगे लिख के आ रहा है वो क्या है, और किनका चयन नहीं हुआ है वो क्या है, ये सारी चीज़। और आगे पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना पड़ेगा नहीं, अभी क्या क्या होगा, वो सारी डिटेल्स हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, क्योंकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट आपके सपोर्ट की वजह से मैं हमेशा ये सब चीज़ें करता हूँ और करता रहूँगा। तो ये पूरी डिटेल्स है आपकी, यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी विज्ञापन के अकॉर्डिंग ही जनरल कैंडिडेट्स के 2322 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 252 पोस्ट, अनुसूचित जात एससी के 433 पोस्ट, अनुसूचित जनजात एसटी के 203 अभ्यर्थियों जिनका अनुक्रमांक नीचे दिया गया है उनका चयन किया गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के कुल 129 पदों के सापेक्ष, मतलब 129 पद भरने जाने थे, लेकिन 30 पद ही भूतपूर्व सैनिक के भरे जा चुके हैं, और जिसमें 99 पद शेष हो रहे थे। तो उसमें मूल मेरिट से कुछ बच्चों को चयनित किया गया, मतलब 99 बच्चों को चयन किया गया है। तो इसमें एक बेनिफिट आपको ये भी मिल गया है कि क्या है कि कुछ और भी अदर बच्चों का चयन हो चुका है। देखिए, इसमें आपको अपने अंक पत्र की डिमांड नहीं करनी है, इसमें दे रखा है, क्योंकि आयोग कुछ ही दिनों में अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। ठीक है, तो ये पूरी कैंडिडेट से ये अपनी पूरी लिस्ट देख सकते हैं यहाँ से। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने रोल नंबर को सर्च करके देखिए, वो वहीं से शो करेगा, जो रो होगा जो कॉलम होगा वो आपको शो कर देगा, अदरवाइज ये रेंडमली आपका पूरा रोल नंबर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, जैसे इस रो में देखिए आपका यहाँ पर प्रूफ लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे अभी कई सारे ऐसे रोल नंबर मैं दिखाऊंगा आपको जहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है, आपने आप सभी ने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ भी आप प्रूफ दे रखा है। तो ये इसका मतलब है इनका चयन अस्थायी रूप से किया गया है, अगर वो डिपार्टमेंटल भी अगर अवॉइड करेगा, उसको नहीं मानेगा, तो इनको बाहर कर दिया जा सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल इनका चयन हो चुका है। कई सारे जगह पर दे रखा है, जैसे आप यहाँ से दे सकते हैं, तो इसको बार बार नहीं देखना है। अब फाइनली हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आपको। देखिए, ये है कट ऑफ को देख लेते हैं। कट ऑफ देखिए, जैसे कि मैंने अपने पूरी वीडियो में बताया था कि जो कट ऑफ फाइनल होगी उसमें 1 या 1.5 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, उससे आगे कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, जनरल की कंडीशन 38.5, अनुसूचित जात की 32, अनुसूचित जनजात की 9 नंबर, और अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी कैंडिडेट्स मिले थे, लगभग 252 कैंडिडेट्स, उनका चयन किया जा चुका है। महिला का कटअप जो 11 था वो 11 रखा गया है, कि स्वतंत्रता सेनानी का जो आश्रित है ये 32.5 है, भूतपूर्व सैनिक के 0.50 है। ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दें यहाँ पे कि एक जो नीचे नोटिफिकेशन दे रखा है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें दे रखा है कि 2 कैंडिडेट्स जिनके अगर मार्क्स बराबर होते हैं, तो सबसे पहले उनके देखिए इसमें दे रखा है कि अगर औसत अंक बराबर होते हैं तो जिनके हाईएस्ट मार्क होंगे, ठीक है, जिनके हाईएस्ट मार्क होंगे उसमें क्या है, वरीयता दी जाएगी। अगर दोनों अभ्यर्थियों के अंक भी बराबर होते हैं तो ऐसे में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा जो आयु में श्रेष्ठ होगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, अभी आपका पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है, इसके बाद पोस्ट प्रिफरेंस भी जाएगी। ठीक है, तो ये अभी जल्द ही होगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ रिक्वेस्ट मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी रिजल्ट आया, अभी आपको चुप नहीं बैठना है। जैसे आपने मेरे कहने के अकॉर्डिंग लगातार कॉल की, लगातार मैसेजेस किए हैं, तो कल के बाद से आपको फिर से लगातार उनको कॉल करने हैं, ये भी पूछना है कि सर हमारी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जल्दी करवाइए, और 2016 की वैकेंसी है, और इनसे ये भी पूछे कि कब तक पूरी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, अभी क्या क्या प्रोसेस होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ प्रोसेस हमको बताया जाते, कुछ नहीं बताया जाते, और एट द टाइम अगर बताया जाता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये थोड़ी सी दबाव आपको अभी भी बनाना है, अभी आपको चुप नहीं बैठना है खुशी के मारे। ठीक है,
तो ये काम करना है। और एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कुछ जो इसमें ट्रेड है, जैसे COE में कुछ ट्रेड है, जैसे मैंने एक दो वीडियो में स्टार्टिंग के वीडियो में बनाया था, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी देख लीजिएगा, उनको और RSE के संबंध में जो कई सारे ट्रेड थे। अब देखिए मैं यहाँ से आपको ग्रुप में शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा ग्रुप में आप देख लीजिए। देखिए हम अपने ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले ग्रुप में आ चुके हैं। देखिए दोपहर के बाद से ही जैसा कि मैंने सबको भेजा था, ये देखिए मेरा ये है, ये ट्यूबवेल ऑपरेटर की वीडियो है जो मैंने दोपहर को आपको देखो 1:43 के आसपास में अपडेट किया और शाम को ही पूरी आपके वो आ गई। देखिए कितने लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग उसी टाइम ज्वाइन किए, लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है। और मेरा हुआ है भाई, मेरा भी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सबको बोल दिया, ठीक है। लिस्ट में सब लोग अपना नंबर शो कर रहे हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, भाई और बहनों को। जिनका नहीं हुआ वो परेशान ना हो, अगर कुछ ऐसे ही आपके त्रुटि की वजह से आपको नहीं हो रहा है, तो जैसे इनका है कहना कि COE RSE में था तो ये इनका रोल नंबर शो नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ है तो वो डिटेल्स आपको मिल जाएगी और वो आपको कहना पड़ेगा कि देखिए जैसे इसमें कुछ लोगों ने पोस्ट भी किया है जिसका रोल नंबर के साथ PROV लिखा है, उन्होंने अस्थायी रूप से उन्हें चुना गया है, तो ऐसा कुछ है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है थी। तो ये पूरी डिटेल्स है, आप भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, और एट लास्ट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, धन्यवाद।